ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मथुरा के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। वहीं फैसला आने के बाद हिंदुवादी नेता और श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस आदेश के बाद अब वादों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जो हाई कोर्ट से हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया है, हम ब्रजवासियों के पक्ष में फैसला आया है, उसकी खुशी में हम लोग ये मिठाई व्रत कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत समय से इसी मंदिर को लेकर के जो कार्यरत थे, इसमें जो संघर्ष कर रहे थे, आज ठाकुर जी कृपा से हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई करके और हम लोगों के मन की बात को समझते हुए, ठाकुर जी की इच्छा को समझते हुए, और उन्होंने आज हम सब सनातनियों के धर्म पक्ष में जो फैसला किया है, बड़ी हम लोगों को खुशी हो रही है और खुशी में ही हम लोग सब प्रसाद वितरण कर रहे हैं। द्वारा हिंदुओं के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि भगवान श्री के जन्म मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस चलने योग्य नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी मुकदमे चलने योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस जमीन पर 1947 से पहले भी मुकदमे चले थे। बनारस से राजा पटनी मल ने इस जमीन पर केस लड़ा था, इसलिए माननीय न्यायालय ने काशी के मुकदमे को आधार बनाते हुए और राजा पटनी मल के मुकदमे को आधार बनाते हुए, आपको हमें ये उम्मीद है अब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। यह पहली सीढ़ी हिंदुओं की पार हो गई है, अब आने वाले समय में आगे मुकदमे में भी हिंदुओं की जीत होगी। माननीय हाईकोर्ट का कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के स्वागत योग्य निर्णय आया है, जिसको लेकर के हम संत धर्माचार्य सनातन हिंदू सनातनियों में भारी उत्साह है, जोश है, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया था उस स्थान पर औरंगजेब बाबर जैसे आक्रांताओं ने सोना चांदी लूटकर और मस्जिद का गुम्बद टोपा इत्यादि पहरा दिया था, उसको तोड़ने का लिए और याचिका हमारे हिंदू भाइयों ने लगाई थी, तो उसको सुनने योग्य समझा है और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है और निश्चित विजय होगी, क्योंकि तथ्यों के आधार पर और वहां प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के आज भी उसमें उसके अंदर प्रमाण है और निश्चित जीत होगी। और हम सब हिंदू सनातनी संत धर्माचार्य में भारी खुशी है और उत्साह है, और आगे जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा, हमें इतना विश्वास है। मथुरा से सीनियर संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। बता दें, हाईकोर्ट के फैसले से ही ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।